हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फार्म। आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकेट एग्रो फार्म से आप सभी का वेलकम करता हूं। बाय फ्रेंड्स, आज का जो इस वीडियो में जो मैटर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा। और जिस भी मेरे फ्रेंड ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो माय फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ या डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ अपने जो रफ हाउस कैनल के जो पपीज़ का जो प्राइस है उसके ऊपर। और वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ दैट कि ये प्राइस की जो मैं बात आप लोगों के साथ करने जा रहा हूँ, ये प्राइस एक सभी के लिए, आपके लिए भी। आई अंडरस्टैंड कि मुझे मेरे चैनल को देखने के बाद हर तरीके के पर्सन्स मुझे कॉल करते हैं, किसी का बजट होता है, किसी का बजट नहीं होता, लेकिन उस पर एक मुद्दा उठता है, एक पॉइंट होता है कि भाई मेरे प्राइजेस बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैंने पहले पुरानी वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मुझे कॉल्स आती है कि मेरे प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो उसी चीज़ को देखते हुए, क्योंकि जो भी मेरे फ्रेंड्स मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं या जो मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जानते हैं, जो भी पेट लवर्स हैं, वो मेरे चैनल को देखने के बाद, मेरी वीडियोज़ को देखने के बाद मुझे डॉग्स से रिलेटेड या पपी से रिलेटेड कॉल करते हैं। तो कॉल करने के बाद जब हमारी डिस्कशन होती है, तो डिस्कशन होने के बाद वो मुझसे प्राइस पूछते हैं। मैं अपनी एक पर्टिकुलर ब्रीड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रफ हाउस कैनल आज के टाइम पे 3 ब्रीड्स में ब्रीड करती है, वो है डोगो अर्जेंटिनो, केन कोर्सो एंड एलाबाई, जिसको सेंट्रल एशियन शेफर्ड बोलते हैं, जो आप वीडियो में देख भी पा रहे हो, मेरे साथ सुल्तान खड़ा हुआ है। तो वो मेरे साथ प्राइस की डिस्कशन करते हैं, प्राइस की बात करते हैं, बट प्राइस की बात करने के बाद वो लोग मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता, बिकॉज ऑफ दैट कि उनका एक सिंपल सा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नहीं बोल सकता उसको, उनका सिंपल सा एक आंसर होता है मेरे लिए कि जी आपके प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो आज उसी प्राइस को लेके मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ। कुछ पॉइंट्स है कि मेरे कैनल के पपीज़ के प्राइस ज़्यादा क्यों हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्केट के अंदर ना, आप कोई भी बिज़नेस करते हैं, कोई भी आप ट्रेडिशनल बिज़नेस करते हैं, कॉरपोरेट में कोई भी बिज़नेस करते हैं, तो कोई भी पर्टिकुलर बिज़नेस करने के लिए ना बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं। और अगर आपका खुद का बिज़नेस है या आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करके अगर आप उसको मार्केट में लॉन्च करते हो, देन आप उसको सेल करते हो, तो वो प्राइस आप डिपेंड करते हो अपनी ब्रांडिंग, ब्रांड वैल्यू के अकॉर्डिंग, या जो भी फैक्टर्स है कि भाई आपका प्राइस, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट महंगा है या सस्ता है, वो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। वो कुछ फैक्टर्स हमारी डॉग ब्रीडिंग में भी है। मैं सभी को एक चीज़ से बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप मेरी क्वालिटी को देखते हो, मैं अपनी क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, और जो मेरे प्राइस है मैं अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही मैं प्राइस रखता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि पर्टिकुलर कोई ब्रांड होता है या कोई एक लोकल चीज़ होती है, आप मार्केट में कोई पर्टिकुलर चीज़ बाय करने जाते हो, तो आपको 500 रुपये की चीज़ भी मिलती है और वही सेम चीज़ आपको 5000 रुपये में भी मिलती है। तो वो डिपेंड करता है ख़रीदने वाले के ऊपर कि वो 5000 रुपये की चीज़ लेना चाह रहा है या 500 रुपये की चीज़ लेना चाह रहा है। फ़र्क कहाँ पे है? जस्ट ओनली फॉर ब्रांड का, एक ब्रांड का फ़र्क होता है उसके अंदर। वो ब्रांड बनाना या ब्रांड को मेंटेन करना एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या उस कंपनी की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने उस ब्रांड को, अपने उस प्रोडक्ट को किस तरीके से मेंटेन करेगा, क्योंकि वो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। वैसा ही हमारे साथ है कि रफ हाउस कैनल अपनी क्वालिटी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, बिकॉज ऑफ दैट कि हम लोग जो भी चीज़ ब्रीड कर रहे हैं यहाँ पे, हम अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए हम उसका प्राइस रखते हैं। और प्राइस में मैं कुछ फैक्टर्स आपको बताऊंगा, जो फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी प्राइस इतने ज़्यादा भी नहीं बोल सकते, नो बेबी, इतने ज़्यादा भी नहीं बोल सकते, लेकिन जो लोगों के व्यूज़ है कि भाई हमारे प्राइस ज़्यादा है, हमारे डॉग्स कंपैरिजन टू अदर ब्रीडर्स महंगे हैं, तो मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ आज बता रहा हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स में मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ बात करूँगा, जो मेन पार्ट है या मेन थिंग है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है ब्लड लाइन्स का। आप सभी जानते हैं कि रफ हाउस कैनल अपनी ब्लड लाइन्स को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके ब्रीड करती है। हम लोगों ने रफ हाउस कैनल के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी ब्लड लाइन्स के डॉग हमने मेल फीमेल्स हमने बाहर से इंपोर्ट करवाए हैं। बिकॉज ऑफ दैट आप सभी जानते हो कि ब्लड लाइन बहुत बड़ा पार्ट होता है एक पर्टिकुलर ब्रीड को लेके, उसके टेम्परामेंट को लेके। आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि एक पर्टिकुलर ब्रीड का एक पर्टिकुलर डॉग एक टाइम के बाद कई बार उसके हेल्थ इश्यूज़ आने लगते हैं, उसके टेम्परामेंटल इश्यूज़ आने लगते हैं, उसके बिहेवियर में चेंज आने लगता है,
वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर फैक्टर होता है ब्लड लाइन का। जब आपकी ब्लड लाइन अच्छी नहीं है, जब आप ब्लड लाइन को आप प्रॉपर मेंटेन करके नहीं चल रहे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव रिव्यूज़ भी आएंगे, नेगेटिव फीडबैक्स भी आएगी आपको उस पर्टिकुलर ब्रीड को लेके। क्योंकि रफ हाउस कैनल अपनी ब्रीड स्टैंडर्ड को सुधारने के लिए, आप सभी जानते हैं कि हमने वर्ल्ड की बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैनल और वर्ल्ड की बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्लड लाइन्स के मेल और फीमेल हमने बहुत सारे इंपोर्ट करवाए हैं, और आज भी हमारे पास बहुत सारे इंपोर्ट डॉग्स हैं। और इंपोर्ट करवाने का जो हमारा सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है, वो बिकॉज ऑफ है कि अच्छी ब्लड लाइन को मेंटेन करना। बिकॉज ऑफ कि अच्छी ब्लड लाइन मेंटेन रहेगी, जीन्स अगर अच्छे हैं वो आप ह्यूमंस में भी ले सकते हो, आप एनिमल्स में भी ले सकते हो, कि सारा का सारा जो रोल है वो जीन्स का है। जीन्स जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, उतने ही ज़्यादा आने वाली प्रोजनी स्ट्रॉन्ग आएगी, उतनी अच्छा बिहेवियर आएगा, टेम्परामेंट अच्छा आएगा, डिजीजेज नहीं आएगी। तो जो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, ब्लड लाइन बहुत ज़्यादा मस्ट है। हम अपनी ब्लड लाइन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्वालिटी और प्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो हो सकता है कि हमारे रेट महंगे हो। दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ, वो होती है क्वांटिटी। आप सब अच्छी तरह जानते हो कि समटाइम्स ऐसा होता है ना कि कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री भी है, वो पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, तो वो भी कई बार अपने जो प्रोडक्ट्स का जो वैल्यू होता है, वो भी कई बार क्वांटिटी, अगर उसने ज़्यादा चीज़ें मैन्युफैक्चर कर दी और उसकी प्रोडक्शंस बहुत ज़्यादा है, तो आपने देखा भी होगा कि वो अपने प्राइसेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है और प्राइस को कुछ कम भी करके वो प्रोडक्ट्स को निकाल देती है। बट जहाँ पे क्वांटिटी मतलब कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम है, वहाँ पे प्राइस को डिक्रीज़ करना, प्राइस को कम करना, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, वो गुंजाइश नहीं रहती है, वो गुंजाइश नहीं होती है कि भाई हम प्राइस को कम कर सके। वैसे रफ हाउस कैनल के पास जितने भी मेल फीमेल्स हैं, हम लोग जो भी ब्रीडिंग करते हैं, वो हम क्वांटिटी में ब्रीड नहीं करते, हम क्वालिटी में ब्रीड करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट कि हमारी जितनी भी ब्रीडिंग फीमेल्स हैं, रफ हाउस कैनल सदा कोशिश करती है कि हर एक फीमेल को साल में एक बार ब्रीड करे। ज़्यादातर हम लोग एक फीमेल से पूरी साल में एक बार लीटर लेते हैं, मींस कि हमारी प्रोडक्शंस, हमारी फीमेल की प्रोडक्शंस कम होने की वजह से जो हमारी प्राइजेज है, हमारे पास डिमांड होती है बहुत ज़्यादा और हम उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पाते, तो इसलिए हमारी जो प्राइस है वो प्राइस हमारे थोड़े ज़्यादा है। तो इसलिए भी आप लोग बोल सकते हैं कि भाई हमारी प्राइस ज़्यादा है। बट मैंने क्या बोला कि अगर हमारी क्वांटिटी पर हम लोग ब्रीड नहीं कर रहे हैं, हम क्वालिटी पे ब्रीड कर रहे हैं। अगर क्वालिटी पपीज आपको अगर लेने हैं, तो आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। तीसरा, मैं अगर फैक्टर की बात करूं, ये बहुत मेजर फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसा कि मैंने ब्लड लाइन के बारे में बताया या मैंने अभी आपको क्वांटिटी के बारे में बताया। अभी मैं अगर थर्ड बात करता हूं, वो बात करता हूं मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस आप सब लोग जानते हैं कि मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है एक पर्टिकुलर ब्रीडर के लिए या एक पर्टिकुलर पेट ओनर के लिए। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप पर्टिकुलर ब्रीड आप कहीं से भी किसी भी कैनल से बाय कर रहे हो, तो वो मेंटेन आपको करनी है। अभी वो मेंटेन डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके का फूड खिला रहे हो, किस तरीके के आप उसको सप्लीमेंट्स दे रहे हो, किस तरीके से आप उसका रख रखाव रख रहे हो, आपने उसको सरफेस कैसा दिया है। तो मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और मेंटेनेंस में आप सभी जानते हो कि लॉट ऑफ एक्सपेंसेस। आज आपने देखा ही होगा कि महंगाई बढ़ती जा रही है। आज पिछले 2-3 सालों में बात करें तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ कोई भी अगर हम लेते हैं, तो उसका कम से कम भी 30-40% महंगाई इधर बढ़ चुकी है। अगर हम डॉग ब्रीडिंग में बात करें, तो आज हर चीज़ डॉग से रिलेटेड जो हम इनको खिलाते हैं या इनके मेंटेनेंस के लिए जो भी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो सबके प्राइसेस डे बाय डे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। चाहे आप वो डॉग फूड ले लीजिए, आप सप्लीमेंट्स ले लीजिए, आप इनका रख रखाव ले लीजिए, आप इनके केयर टेकर जो हम लड़के रखते हैं आप उनको ले लीजिए, तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है, हर चीज़ का प्राइस बढ़ चुका है। उसी चीज़ को देखते हुए कि जो रफ हाउस कैनल के प्राइसेस है, रफ हाउस कैनल के डॉग का जो मेंटेनेंस है, हम लोग अपने डॉग्स को बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। मेंटेनेंस में हम उनको अच्छे से अच्छी डाइट देते हैं, अच्छे से अच्छा उनको हम सप्लीमेंट्स देते हैं। सप्लीमेंट्स में आप भी सब समझते हो कि भाई हम लोग अगर उनको किसी भी प्रकार की कोई भी पर्टिकुलर ब्रीड के अंदर, चाहे वो आपका स्टड हो गए, चाहे वो आपकी ब्रीडिंग फीमेल है, अगर उनमें किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी आती है, तो वो प्रॉपर तरीके से ब्रीड नहीं कर पाएंगे। तो उसी चीज़ों को देखते हुए मेंटेनेंस में हम अच्छे से अच्छे सप्लीमेंट्स, अच्छे से अच्छे मल्टीविटामिन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन एंड
ऑल, साथ में अगर हम फूड की बात करें तो हम नेचुरल डाइट बहुत ज़्यादा अच्छी देते हैं, जिसके साथ हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हमारे डॉग्स में मल्टीपल ऑयल्स हम लोग यूज़ करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑयल्स होते हैं, जो इनके कोट कंडीशनिंग के लिए और इनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर एक पर्टिकुलर पपी के प्राइस के ऊपर, क्योंकि हमारा जो पपी बोन होता है, उस पपी बोन से लेके जब हम पपी एक पर्टिकुलर ओनर को हैंड ओवर करते हैं, तब तक हम उसको पूरी कोशिश करते हैं कि उसके मेंटेनेंस में हम अपने बेस्ट से बेस्ट देने की का कोशिश करते हैं, उसे बेस्ट से बेस्ट सप्लीमेंट देने की कोशिश करते हैं। तो थोड़े से हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते हैं उसके अंदर, तो इसलिए हमारे प्राइस भी थोड़े महंगे हैं। आगे मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लड लाइन पे हमने बात की, अभी हमने अभी क्वांटिटी पे बात की, मेंटेनेंस पे बात की, अभी मैं बात करता हूँ आपको जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है अपनी इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप सभी जानते हो कि जो रफ हाउस कैनल है, रफ हाउस कैनल में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है इम्प्रूवमेंट। बिकॉज ऑफ दैट कि हमने टाइम टू टाइम अपनी ब्रीड को इम्प्रूव करने के लिए हमने अलग अलग कैनल से, वर्ल्ड की बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैनल से, बेस्ट ऑफ बेस्ट मेल और बेस्ट ऑफ बेस्ट फीमेल हम लोगों ने इम्पोर्ट करवाए हैं, बिकॉज ऑफ दैट इम्प्रूवमेंट के लिए। कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ को बार बार रिपीट करोगे तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी के अंदर, क्वालिटी के अंदर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट उस क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए हमने अपना हर संभव हम लोगों ने कोशिश की है कि जिसमें हम बेस्ट ऑफ बेस्ट स्पेसिमेन आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें। और वो हम लोग जो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं वो हम इम्प्रूवमेंट पे करते हैं। इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक पर्टिकुलर ब्रीडर को के लिए। एक पर्टिकुलर ब्रीड को जितना ज़्यादा आप इम्प्रूव करोगे, उतनी ज़्यादा आने वाले अपकमिंग जो लिटिल स्टार्स आपके पास पैदा होते हैं, वो उतनी अच्छे ज़्यादा स्पेसिमेन बन के आपको आगे निखर के आएंगे। तो इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा मस्ट है। इसलिए हम अपने इम्प्रूवमेंट के लिए हम अच्छे से अच्छे मेल, अच्छे से अच्छे फीमेल हम इम्पोर्ट करवाते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं, फिर सिलेक्शन के अकॉर्डिंग हम कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग कि कौन सी फीमेल पे कौन सा मेल शूट करता है, उनसे हम लोग ब्रीड करते हैं, फिर वो ब्रीडिंग हमारे होने के बाद हम उनको प्रॉपरली तैयार करके आप लोगों तक देते हैं। तो इसलिए हमारे प्राइस महंगे हैं। इसके साथ हम इम्प्रूवमेंट के बाद बात करें तो वो बात आ जाती है एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट बहुत मस्ट फैक्टर है एक पर्टिकुलर पपी की ग्रोथ के लिए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर, बट मैंने बहुत सारे कैनल्स, बहुत सारे ब्रीडर्स मैंने ऐसे देखे हैं जो छतों पे डॉग्स पालते हैं, जिनके पास छोटी छोटी छतें हैं, उन पे उन्होंने जेंट ब्रीड्स पाली हुई है, बड़ी बड़ी ब्रीड्स पाली हुई है, तो वो वहाँ पे वैसा इन्वायरमेंट नहीं दे पा रहे। तो इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है पपी की ग्रोथ के लिए। और जब पपी एक अर्ली एज के अंदर ग्रो नहीं कर रहा है तो वो एडल्ट होकर कैसे ग्रो कर सकता है। तो एन्वायरमेंट के लिए रफ हाउस कैनल ने अपने सारे के सारे डॉग्स को लिए, चाहे वो एडल्ट डॉग्स हो, सेमी एडल्ट डॉग्स हो, या वो पपी कैटेगरी के डॉग्स हो, उनके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट एनवायरमेंट देने की कोशिश की है, डॉग्स फ्रेंडली एनवायरमेंट देने की कोशिश की है। बिकॉज ऑफ दैट कि हमने इनका जो रहने की जो सरफेस है, रहने की जो जगह है, वो बहुत ज़्यादा हम लोग हाइजीन, बहुत खुली जगह हम लोगों ने इनको दी हुई है, जिसमें इनकी ग्रोथ हो, जिसमें ये प्ले कर सके। प्ले के लिए हमने प्ले ग्राउंड दिया हुआ इनको, और एनवायरमेंट पूरा का पूरा नेचुरल एनवायरमेंट हमने देने की कोशिश की है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है एक पपी के प्राइस के ऊपर। उसके बाद एनवायरमेंट के बाद बात करते हैं हम लोग, जो सबसे मेजर फैक्टर होता है वो है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है एक पर्टिकुलर डॉग ब्रीड के लिए। बिकॉज ऑफ दैट कि मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं, लोग बोलते हैं, मुझसे मांगते हैं, जी मुझे नॉन केसीआई चाहिए। आप एक चीज़ मुझे बताइए कि आपको नॉन केसीआई पपी और केसीआई पपी में आप खुद नहीं समझ पा रहे हो कि डिफरेंस क्या है। अभी नॉन केसीआई पपी के अंदर आपको खुद, टू बी वेरी फ्रेंक, मैं आप सबको आज अनाउंस करता हूँ, आप बात जब प्राइस पे करते हो केसीआई और नॉन केसीआई के ऊपर, केसीआई दैट मीन्स कि रफ हाउस कैनल के जितने भी डॉग्स हैं वो सारे के ज़्यादा से ज़्यादा डॉग्स इम्पोर्टेड है, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैनल से इम्पोर्ट करवाए हुए हैं। दूसरी चीज़ मैं बात करूँ, जितने भी डॉग्स हैं वो कैनल क्लब ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड डॉग्स हैं, जितने भी हमारे पास ब्रीड है। उसके अंदर जब आप केसीआई और नॉन केसीआई की बात करते हो तो आप खुद अंडरस्टैंड कीजिए कि केसीआई और नॉन केसीआई में डिफरेंस क्या है। केसीआई नॉन केसीआई का जो मेजर डिफरेंस है, जैसे आपको खुद को नहीं पता, केसीआई में एक पर्टिकुलर डॉग को रजिस्टर्ड कराने के लिए पैसे नहीं लगते, कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लगते, वो 500 टू 600 रुपीस के एक्सपेंसेस है। बट आप चाहते हो कि मैं आप हम लोग
आपको अपना केसीआई जो रजिस्टर्ड हो गया, अगर उसका जो प्राइस है उसमें हम आपको 50% प्राइस में नॉन केसीआई डॉग दे दें, वो पॉसिबिलिटीज़ है ही नहीं। और वो पॉसिबिलिटीज़ हम लोग कर भी नहीं सकते बिकॉज ऑफ दैट कि हमने अपनी ब्लड लाइंस को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए कि ब्लड लाइन बहुत ज़्यादा मायने करती है। जो डॉक्यूमेंटेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, रफ हाउस कैनल आपको जो भी पपीज़ प्रोवाइड करती है वो विद डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर कैनल क्लब ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड पपी विद माइक्रोचिप विद वैक्सीनेटेड पपीज आपको मिलेंगे, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी डिफॉर्मेशंस नहीं आएगी। और उस केशिया पेपर्स के अंदर आपको पर्टिकुलर ये पता रहेगा कि उनका फादर कौन है, मदर कौन है, ग्रैंडपा और ग्रैंड मदर कौन है। इट मीन्स कि वो एक पर्टिकुलर आपको उसके जीन्स का पता है, आपको उसकी ब्लड लाइंस का पता है। तो इन फ्यूचर इफ़ यू वांट टू ब्रीड, कि भाई आप एक ब्रीडर हो और आप उसको ब्रीड करना चाहते हो, तो आपको खुद को जब तक नहीं पता कि भाई आपकी ब्लड लाइन का पपी, आपका पपी कौन सी ब्लड लाइन से बिलोंग करता है, उसका डॉक्यूमेंटेशन क्या है। अगर वो विदाउट डॉक्यूमेंटेड पपी है तो आई थिंक वो आप खुद उसको ये चीज़ आप पर्टिकुलरली आप उसको वो नहीं कर सकते कि भाई आपको उस डॉग को कौन सी बीज के साथ ब्रीड करना है, किस बीज को आपको कौन से डॉग के साथ ब्रीड करना है, जब तक आप उसको उसकी पर्टिकुलर ब्लड लाइन का नहीं पता। तो रफ हाउस कैनल जो आपको पपीज प्रोवाइड करता है वो पूरे के पूरे रजिस्टर्ड पपी, कैनल क्लब ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड पपीज विद माइक्रोचिप विद वैक्सीनेशन आपको प्रोवाइड करता है। तो इट मींस इस वजह से हमारे पपीज का प्राइस ज़्यादा है, और वो हम मानते हैं कि वो ज़्यादा नहीं है बिकॉज ऑफ दैट कि हम वैसी क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं अगर बात करूँ तो जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है ना, आप पपीज़ तो आप कहीं से भी ले लेते हैं, किसी भी पर्टिकुलर ब्रीडर्स या किसी भी, आजकल तो बहुत सारे लोग एक एक फीमेल रख के भी ब्रीड कर रहे हैं, दैट इज दैट का वो ब्रीडर्स नहीं है बट वो एक पैट ओनर्स है, बट वो पैट ओनर्स भी एक एक फीमेल को ब्रीड कर लेते हैं, तो उनके लिए कोई चीज़ें मायने नहीं रखती है। बट रफ हाउस कैनल आपको एक श्योरिटी देती है, वो है जो मेजर श्योरिटी है, वो है सर्विसेज। रफ हाउस कैनल से आप कोई भी पपी बाय करते हो तो रफ हाउस कैनल आपको एक छोटे पपी से लेके, जब आप बाय करते हो उससे लेके एडल्ट एज तक की पूरी सर्विसेज की आपको श्योरिटी देती है, जिसमें किसी भी प्रकार के हेल्थ इश्यूज, आपको कोई भी सपोर्ट, किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो रफ हाउस कैनल आपके साथ सदा खड़ी हुई है। आप एनी टाइम कभी भी कॉल करके, जितनी भी रफ हाउस कैनल इट मीन्स मी, मेरे पास जितना भी एक्सपीरियंस है, आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प चाहिए उसके लिए हम लोग सदा आपके साथ हाजिर हैं। और दूसरी चीज़, रफ हाउस कैनल के किसी भी पर्टिकुलर पप्पी में किसी भी प्रकार के हेल्थ इश्यूज आते हैं उसमें हम आपको पूरी सपोर्ट करते हैं। दूसरी चीज़, अगर हमारे पपीज में किसी भी प्रकार के जेनेटिकली फॉल्ट आते हैं तो वी आर 100% रिस्पॉन्सिबल। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रफ हाउस कैनल के पपी में किसी भी प्रकार के जेनेटिकली फॉल्ट आते हैं तो रफ हाउस कैनल उसका 100% रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, अगर वो फॉल्ट अगर 100% जेनेटिकल है, उसके जिन से आया है, तो हम आपको उस पपी को रिप्लेस करने की 100% गारंटी देते हैं। और ऐसा नहीं है माय फ्रेंड्स कि बिकॉज ऑफ दैट कि रफ हाउस कैनल टोटली बिलोंग्स, कि वो अपनी ब्लड लाइंस के लिए जानी जाती है और ब्लड लाइंस बहुत बजा मेजर पार्ट है। तो इस ये श्योरिटी देने का जो सबसे बड़ा पर्पस है वो है हमारी ब्लड लाइंस, हमारी क्वालिटी, हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो जो भी बंदा, जो भी मेरा फ्रेंड, पेट लवर, जो भी हमसे पपी ख़रीदता है, तो उस पपी को एक एडल्ट एज तक हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम पूरा उसको सपोर्ट भी देंगे, पूरी सर्विसेज भी देंगे। तो माई फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, क्योंकि ये फैक्टर्स डिस्कस करने का जो सबसे मेजर मेरा पार्ट था वो यही था, क्योंकि मुझे इतने कॉल्स आ रहे हैं आज के टाइम पे, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मैं एक एक बंदे को नहीं बता सकता कि भाई मेरे प्राइस महंगे हैं, और मेरे प्राइस महंगे हैं तो क्यों है, मेरे पपीज इतने महंगे क्यों हैं। मैंने आज जब से हम लोगों ने अगर आज तक ब्रीडिंग की है, हम लोग आज नए नहीं हैं, 2015 से हम रजिस्टर्ड कैनल हैं और हम लोग ब्रीड कर रहे हैं, हमने अपने प्राइस को मेंटेन किया हुआ है, हमने अपनी क्वालिटी को मेंटेन किया हुआ है, उस समय से लेके आज तक हमारे प्राइस सेम चल रहे हैं। इट मींस कि हमारे प्राइस सेम चलने का सबसे बड़ा फैक्टर है कि हम अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो आप प्लीज़, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कीजिए। प्राइस आप, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर जीव ले रहे हो, वो जीव आप आज ले लोगे, आप कहीं से भी ले लोगे, किसी लोकल से भी ले लोगे, और लोकल से लिया हुआ
पर्टिकुलर पपी वो आप जब वो परफेक्शन जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं निकलता एक टाइम के बाद, देन यू विल हरास कि भाई मैंने ऐसा पपी लिया था, मैंने पैसे भी लगाए, बट आपने उस समय उसकी क्वालिटी को नहीं देखा, उसकी ब्लड लाइन को स्टडी नहीं किया, आपने उसके जीन्स नहीं देखे कि वो जीन्स कहाँ से ब्लूम करते हैं। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, आप प्राइस को मत देखिए, आप क्वालिटी को देखिए। और मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप यूट्यूब के ऊपर मेरी वीडियोज़ को देख के, आप बहुत सारे मुझे कॉल करते हो, देन यू विल कि जो मैं प्राइस बताता हूँ अपने, देन यू वॉन्ट कि भाई मैं आपको वो चीज़ 10 से 15 हज़ार रुपये में दे दूँ, वो पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है मेरी चैनल पर। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ आप मुझे कॉल मत कीजिएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, जिस भी मेरे फ्रेंड ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।